रुपए आए, कितने आरोप आए, आंख खुली तो सब झूठ हो गया। ऐसे ही आपका क्षेत्रज्ञ स्वभाव में नजरिया खुलेगी तो सारे जन्म जो बीत गए वे झूठे। अब भी जो हो रहा है वो भी सपना है और आगे जो होगा सपना है, लेकिन उसको जानने वाला चैतन्य मेरा अपना आपा है। इस प्रकार का ज्ञान होना ही मुक्तता है। मोक्ष को किसी जगह पर नहीं लेने जाना है या बंधा नहीं है। ना समझी से मुक्त हो जाए, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के विभाग को जान ले। यत दृश्यम तत अनित्यम, जो दिखता है वो अनित्य है। जो दिखे सो चालनहार, जो दिखता है वो बदलने वाला है, लेकिन जिससे दिखता है वो अबदल मेरा आत्मदेव है। उसमें टिक गए आगे तो हो गया काम, बाकी तो अपनी अपनी मति के अनुसार लोग ईश्वर का अनुसंधान करते, ईश्वर प्राप्त करना चाहते। तो जैसे संस्कार है और जैसी मति है उस प्रकार का ईश्वर के बारे में लोग धारणा बना देते। जैसे कोई कर्मकांडी है तो बोले यज्ञ करना ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है, ऐसे बढ़कर और क्या हो सकता है। उपासक बोलेगा कृष्ण की पूजा ही ईश्वर की पूजा है, राम वाले बोलेंगे राम जी की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। बात उसकी सच्ची भी है, क्योंकि ईश्वर तो अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक है। कृष्ण के रूप में भी वही है, राम के रूप में भी वही है, पीपल के रूप में भी वही है, लेकिन वो पीपल ही ईश्वर है मानता है तो फिर राम जी ही ईश्वर है। हिरण्यकश्यप मानते थे कि मैं ही ईश्वर हूं और कोई ईश्वर नहीं है, तो मार खा गए। रावण मानते थे मैं ही विशेष हूं, लेकिन जिस दृष्टा की सत्ता से दृश्य में विशेषता दिखती वह दृष्टा ही चैतन्य ही वास्तव में ईश्वर है और वो सभी भूतों में सम रूप से समान रूप से व्याप रहा है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जो जिस गाड़ी में जिस बस में जिस बाइक पर बैठा है उसी के अनुसार भागता है। लक्ष्मण ने श्री राम जी से प्रश्न किए थे, वैराग्य किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, किस भक्ति से भगवान दया करते हैं, ईश्वर और जीव में क्या भेद है। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भक्ति, कहो जिहिदाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई। ईश्वर में जीव में क्या भेद है वो समझाओ। जाते होई चरण रति, शोक मोह समन जाई। मेरा शोक मोह और परिश्रम चला जाए और परमात्मा चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, ऐसा आप मेरे इन प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करो। श्री राम जी बोलते, मैं अरु मोर तोर की माया, ये शरीर मैं हूं और ये वस्तु मेरी है और वो तेरा है, इसी को बोलते माया। मैं मोर तोर की माया, बस कर दीनी जीवन काया, जीवों की काया को बश कर दिया। मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, ये मेरा है, इसी का नाम माया है। जो वास्तविक नहीं और वास्तविक मान ले, मां माना जो नहीं या माना जो दिखे प्रतीत कराए उसे माया कहते। अघटना को घटित करा दे, अघटना पटियसी यश सा माया। सपने में आप गंगा जी में नहीं है और गंगा जी आपके घर नहीं आई, लेकिन सपने की माया में गंगा जी बह रही है, आप कपड़े उतार रहे हैं, थोड़ा शरीर ठंडा जल देखकर कुछ कल्पना भी हो रही है,
फिर गोता मारते हैं, जंप मारते हैं गंगा जी में, मन में सोचते कपड़ों में घड़ियाल पड़ी है, पैसे पड़े, कोई ले न जाए, तो गंगा जी बाहर है और कपड़ों में कुछ पड़ा है, कोई ले न जाए, ये भाव अंदर है, तो सपने में भी अंदर बाहर देखता है और जागृत में भी अंदर बाहर देखता है। लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है वो क्षेत्र गया है और जो दिखता है वो क्षेत्र है। इस विभाग को जानकर अपना विवेक प्रखर कर दो। विवेक प्रखर करोगे तो किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में राग नहीं रहेगा। इसको बोलते वैराग्य। नित्य राग, जो राग गया तो भय भी चला जाएगा, शोक भी चला जाएगा। वितराग भय क्रोध, क्रोध भी चला जाएगा। मुनि मोक्ष परायण, आप मनन करने वाले मोक्ष के परायण हो जाएंगे। मोक्ष सर्वोपरि उपलब्धि है, सर्वोपरि ऊंचाई है। मोक्ष में भी अलग अलग मान्यता है। स्वर्गीय मोक्ष, यहां से मर गए चलो मुक्त हो गए, स्वर्ग में गए, दुखों से छूट गए, कर्जे से छूट गए, बीमारी से छूट गए, स्वर्ग में मजा ले रहे, वो स्वर्गीय मोक्ष है। समय पाकर वहां पुण्य नष्ट हो गए फिर गिराया जाएगा। फिर सायुज्य मोक्ष, इष्ट देव के लोक में रहना, सालों के मुक्ति, इष्ट देव के समीप रहना, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, इष्ट का खास मंत्री पद आदि मिलना, सारूप्य मुक्ति, इष्ट के निकट में निकट मंत्री अथवा भाई जैसा रहना, ये सारे मोक्ष छोटे छोटे हैं। कैवल्य मुक्ति परम मुक्ति है, वो यही अनुभव में आती कि दृष्टा नित्य मुक्त है और दृश्य में खेल होते रहते हैं। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद के मस्ताना हो गया, जो मेरा सत्य चित्त आनंद स्वभाव था उसको मैंने जाना। मन की असत्य वासना, असत्य कल्पना, असत्य मान्यताओं से मैं सजाग हो गया। ये सारी मन की मान्यता है, सबके अपने अपने मन है और अपनी अपनी मान्यता है। तो राम जी कहते हैं, मैं अरु मोर तोर की माया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो माना इंद्रियां, गोचर माना इंद्रियों के द्वारा जो मन है, जहां भी भागता है, जो भी कल्पना करता है, वो सब माया है, क्योंकि मन ही माया का कार्य है। तो माया माया को देखेगी परमात्मा की सत्ता से, लेकिन परमात्मा को मन नहीं जान सकता, परमात्मा को बुद्धि नहीं जान सकती, परमात्मा को आंखें नहीं जान सकती। आंखें सीमित है, परमात्मा असीम है। नाक की गंध लेने की सीमा है, परमात्मा असीम है। ऐसे बुद्धि भी सीमित है, मन भी सीमित है। करोड़ों अरबों बुद्धियों को सत्ता दे रहा है और बुद्धियां बन बन के बदल जाती है, फिर भी जोड़ का त्यों है। उस असीम को सीमा वाली बुद्धि से तुम कैसे पकड़ोगे? तो राम जी कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। माया में गुण और दोष अनेक दिखते, तो ये गुण दोष प्रकृति में होते हैं। परमात्मा निर्गुण निर्दोष जो कहते हैं, उस परमात्मा को अपने आत्मरूप में मान लिया, जान लिया, तो मुक्त हो गया। परमात्मा को कहीं दूर माना अथवा परमात्मा ऐसे ऐसे, तो आप परमात्मा के गुणगान करके परमात्मा के आप विशेषण बन गए, लेकिन वो परमात्मा मेरा ही आत्मा है, तो परमात्मा आपका विशेषण हो गया। बहुत बारीक से बारीक, इसीलिए जैसे तैसे को ये पल्ले नहीं पड़ता। परीक्षित की बुद्धि सूक्ष्म थी और सुखदेव जी की अनुभूति महान थी, हो गया काम 7 दिन में। राजा जनक की बुद्धि सूक्ष्म और धर्म प्रिय थी और श्रद्धा परायण थे,
सुखदेव अष्टावक्र की कृपा हुई, जनक को मुक्ति का अनुभव ज्ञान हो गया, हनुमान जी की बुद्धि सूक्ष्म थी और राम जी की कृपा बरसी, हनुमान जी को हो गया साक्षात्कार। अर्जुन की बुद्धि सूक्ष्म बनाई श्री कृष्ण ने, हो गया अर्जुन को साक्षात्कार। तो मोक्ष कहीं देश विशेष में नहीं है, समय के बाद मिलेगा नहीं। समाधि में भी जो आप विचार ले गए वो दृढ़ होंगे। समाधि मोक्ष का अवांतर साधन हो सकता है, प्रत्यक्ष साधन नहीं है। यागी बोलेंगे यज्ञ करो तो मोक्ष होगा, भक्त बोलेंगे भक्ति करो तो मोक्ष होगा, उपासक बोलेंगे इष्ट की उपासना करो तो मोक्ष होगा, समाधि वाले बोलेंगे समाधि करो तो मोक्ष होगा। लेकिन जिनके पास ऊंचे गुरु का ज्ञान है और वैदिक ज्ञान है, वो बोले करने से जो भी होगा वो अवस्था होगी। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेभ्यः, उस मोक्ष स्वरूप परमात्मा देव को जान लो, अभी सभी बंधनों से छूटो। तो बोले जानेंगे किससे? जानेंगे वाले साधन तो मिथ्या है, मिथ्या से सत्य कैसे जानेंगे? तो भाई तुम्हारे पास तलवार है, तलवार से तुम ही काटते जाओ बंधन, काटते 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 घास पत्ता ये कटने वाली चीज तो कटने आई, लेकिन फिर एक वज्र से बना हुआ थंभा, बोले इसको भी काट दो। वज्र से बना हुआ थंभे को काटते तुम्हारी तलवार ही कट गई, अथवा पारस के थंभे को तुम्हारी तलवार लगाई तो तलवार सोने की हो गई, तुम्हारी मति रितंबरा हो गई। ये करते 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 जब सत्य पे आए तो सत्य को छुआ तो बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा हो गई, सत्य से भर गई बुद्धि। पारस को छूकर लोहे की तलवार सुवर्ण की हो गई। ऐसे भगवान को जानने की इच्छा से दूसरी इच्छाएं छूटते छूटते भगवान को जानने की इच्छा से बुद्धि भगवान में जाकर समा गई, शांत हो गई, भगवत प्रसाद जा बन गई। फिर उस महापुरुष का वचन सत्संग हो जाता है, सत्य का संग की हुई बुद्धि, उसकी बुद्धि को पता चलता है मति न लखे जो मति लखे। बुद्धि जिसको नहीं देखती लेकिन जो बुद्धि को जानता है वो मैं हूं। तो बुद्धि में कभी अच्छा विचार आता है, कभी बुरा विचार आता है, बुरा निर्णय आता है, उसको भी तो जान रहा है ना कोई। वो क्षेत्र गया है, सरल भी इतना ही है। और बाहर की सत्यता और बाहर के साधन से पकड़ने जाओ तो कठिन भी। ऐसा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कछुआ वतनाई। इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गौदान करने का फल होता है। एक क्षण भी आप सुनते हो ना तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल हो जाता है, सब कुछ दान करने का फल हो जाता है, सारे पितरों को तर्पण करने का फल होता है। ये ऐसी ब्रह्म विद्या है, सब विद्याओं में राज विद्या है, गुई है, उत्तम है, करने में आसान है और फल प्रत्यक्ष है। यज्ञ का फल प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष है, मरने के बाद मिलेगा। स्वर्ग भी परोक्ष है, लेकिन यहां तो सुनते सुनते ही ज्ञात्वा देवं मुच्यते, जो जो सुन रहे जान रहे त्यों त्यों बंधन से मुक्त हो रहे। अर्जुन ने सुनते सुनते सारे दुख मिटा दिए ना, जनक राजा ने सुनते सुनते सारी नासमझी छोड़ दी, साक्षात्कार हो गया। हमने भी गुरु के श्रीमुख से सुनते सुनते